साथियों, मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद कैसे हुए? मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? मेघनाथ अगले जन्म में कौन था? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में बने रहे। मेघनाथ अगले जन्म में कौन था? मेघनाथ का मूल नाम घननाथ था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वास्वजीत, शक्रजीत इंद्र कहा गया। ब्रह्मा का वरदान बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्रीराम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने सास मंदोदरी से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की। रामलीला के मुताबिक मेघनाथ का लक्ष्मण के हाथों हुआ वध, सुलोचना हुई सती। वही अंत में मेघनाथ की चिता के साथ वह भी सती हो गई। मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद कैसे हुआ? वहीं शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था और इस बात मेघनाद अनभिज्ञ था। लिहाजा युद्ध में मेघनाद शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाद के ससुर कहलाए। तो इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कहलाया।